ये एंट्रेंस है सबसे पहले ड्राइंग रूम विद बालकनी, लेफ्ट साइड में डाइनिंग एरिया, मेन अंदर के दो बेडरूम प्लस किचन। ये ड्राइंग रूम है, इसके साथ बालकनी है। ये बालकनी आपकी पार्क एंड पूल फेसिंग है और क्लब फेसिंग। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ सोसाइटी। ये चार टावर है, दो ये तीसरे में हम हैं ऑलरेडी। स्विमिंग पूल, सामने में क्लब हाउस, एक लेफ्ट साइड में एंट्रेंस में आपका टावर है। यहाँ से अंदर रिटर्न जाएंगे तो ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के साथ ही सबसे पहले बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम दिया हुआ है। ये आपका बेडरूम है, एक बेडरूम, साइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लंबाई 13x11.5 प्लस बालकनी है इसके साथ। ये भी अंदर की तरफ फेसिंग है। ये बेडरूम साइज है आपका। इसी के साथ ड्रेसिंग एरिया प्लस अटैच बाथरूम। ये ड्रेसिंग एरिया, ये काफ़ी वाइड बाथरूम है इसका। इसी में कनेक्टेड टू सर्वेंट रूम भी कर रखा है। सर्वेंट रूम भी एक अच्छा बेडरूम कई साइज के तरह है। ये इसमें अलमीरा है, वो सर्वेंट रूम का दरवाज़ा भी यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ से रिटर्न हम पहुँचते हैं बेडरूम से डाइनिंग। ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ में सबसे पहले दरवाजा है जो आपका किचन है, सेमी मॉड्यूलर किचन। इससे आगे बढ़ते हुए बेडरूम, दोनों के दरवाजे हैं, दोनों बेडरूम का दरवाजा। इसमें सबसे पहले एक ये जो आप देख रहे हैं कॉमन टॉयलेट, जो फ्लैट का कॉमन टॉयलेट है, काफ़ी अच्छा साइज है ये। फिर इसके साथ राइट साइड को सेकंड बेडरूम 12x11 वुडन वर्क, और इसके साथ ये है बालकनी वॉशिंग एरिया के साथ और सेम फेसिंग पार्क एंड पूल इनसाइड सोसाइटी। ये बेडरूम साइज है आपका। फाइनली हम रीच आउट करते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज है 13x11 का। इसका वुडन वर्क है फुल एंड हाफ, और इसके साथ है अटैच बाथरूम। इसका भी काफी अच्छा साइज दिया हुआ है। यहाँ से रिटर्न होते हुए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम का दरवाजा, इधर टॉयलेट, ये किचन का दरवाजा और ड्राइंग एंड डाइनिंग।